Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is chemical reactions of isonitriles. क्या चीज? Chemical reactions. किसका? Isonitriles का. आपको बता दें कि isonitriles का ये different four names होता है. इसका क्या form होता है? General form R A R M C. ये सब सारा हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे जब इसका हम preparations पढ़ाना स्टार्ट किए थे. Preparations पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब बात करेंगे इसका chemical reactions. सबसे फर्स्ट बात करें इसका केमिकल रिएक्शंस का, तो वो होता है हाइड्रोलिसिस. तो आप थोड़ा सा बस पेशेंस रख के ध्यान दीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इसमें करना क्या होता है कि आपको लेना होता है आइसोनाइट्रेस, इसका रिएक्शन कराना होता है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस कैटलिस्ट. तो जाके आपका बनता है RNH2 बनता है, दैट इज की 1 डिग्री एमीन बनता है, और साथ ही साथ बनता है आपका CO2 गैस. तो यही होता है आपका रिएक्शन. उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा. क्या किया है? हाइड्रोलिसिस किया है. किसका? आइसोनाइट्राइल्स का. ये क्या है आपका? ये है आपका आइसोनाइट्राइल. आइसोनाइट्राइल्स का किसके साथ रिएक्शन किया? H2 के साथ, वाटर के साथ, H+ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो जाके बना 1 डिग्री एमीन + CO2 गैस. अब इसका मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म्स इसका बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है. आर एन सी की बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है, ये हम पिछले क्लास में 3-4 बार देखे हैं, और इसका जनरल फॉर्म यही होता है. तो इसका रिएक्शन हमको करना है किसके साथ? एच प्लस कैटलिस्ट के साथ. होगा क्या? यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एच प्लस को ले लेगा, और क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका आर एन, इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ही रह जाएगा, और यहां से CH, ये कुछ हो जाएगा ऐसा. अब क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे. तो जैसे ही इसका हम वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे, यहां पे आपका है दो लोन पेयर है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन के पास. जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. तो क्या बनेगा? आर एन, इसके ऊपर बन जाएगा लोन पेयर, और यहां से डबल बॉन्ड सी. ठीक है, इसको ऐसे दिखा दो, ओ एच एच. ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ यहां पे एच, कुछ ऐसा बन जाएगा. अब देखिए करना क्या है यहां पे. अब यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. कहां जाएगा? ये जाके इस H+ को ले लेगा. जैसे ही H+ को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा. तो यहां से क्या बनेगा? यहां से जाके आपका बनेगा RN, नहीं, और यहां जाके हाइड्रोजन लग गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि N अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट किया है. यहां से डबल बॉन्ड CH, और फिर यहां OH. ठीक है, ये जाके कुछ ऐसा बनेगा. अब क्या करेंगे? फर्दर हम लाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स. फर्दर किसके साथ रिएक्शंस करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. तो होगा क्या कि यहां भी ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है. ठीक है, सेम यही स्टेप हम फिर से क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं. तो यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. कहां डोनेट करेगा? कार्बन के पास, जहां डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर है. जैसे ही यहां पे डोनेट करेगा, ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक हो जाएगा. नहीं, ब्रेक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए. तो यहां से जाके क्या बन जाएगा आपका? यहां से जाके आपका बन जाएगा आर एन, यहां एच, ये बचा सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ गया आपका लोन पेयर, नहीं, ये सी एच, और यहां पे ओ एच, और नीचे जाकर के जाके आपका क्या लग गया? ओ एच, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. जैसे यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एच प्लस को लिया था, और इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया था, सेम वही काम करेंगे. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसका एच प्लस को लेगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, और यहां से क्या बना लेगा? यहां से बना लेगा कुछ आपका ऐसा आर एन, यहां एच, ये भी एच ले लेगा, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नहीं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट किया है. साथ ही साथ यहां पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन, ऊपर बचा OH, और सेम नीचे भी बचेगा OH. अब देखिए होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज को आप थोड़ा सा ऊपर दिखाइए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो थोड़ा अच्छा से आपको दिखेगा. और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको दे देगा, और यहां से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. तो बनेगा क्या? आर एन, यहां से एच, एच यहां पे बन जाएगा आपका लोन पेयर,
और साथ ही साथ बन जाएगा COH, यहाँ पे HOH, ठीक है। यही था आपका मेन प्रोडक्ट, दैट इज 1 डिग्री एमीन। क्या था? 1 डिग्री एमीन, हमको यही बनाना था, ठीक है। तो हम क्या किए, आइसोमेट्राइज का हाइड्रोलिसिस किए, तो हमको जाके क्या मिला, 1 डिग्री एमीन मिला। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट कीजिएगा यहां से क्या बन जाएगा, ओ डबल बॉन्ड सी ओ एच एच प्लस, ठीक है। इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कीजिएगा, आपको CO2 गैस मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, आइसोनाइट्राइल्स से हमको क्या बनाना था, 1 डिग्री एमीन बनाना था, कैसे, हाइड्रोलिसिस करके। तो यही इसका केमिकल रिएक्शन होता है। उम्मीद करते हैं इसका आपको हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन में हमको कुछ बताना नहीं है, क्योंकि रिडक्शन हम लोग ऑलरेडी किसके रिएक्शन में कर लिया, जब नाइट्रो कंपाउंड पढ़ रहे थे तो वहां भी देख लिए हैं, जब नाइट्राइल्स पढ़ रहे थे वहां भी देख लिए हैं। यहाँ बस उसका रिएक्शन लिख के आपको बता दे रहे हैं कि रिडक्शन का रिएक्शन क्या होता है। आप कुछ उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका हम पर्सनल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि रिडक्शन आप खुद से कीजिए, क्योंकि हम दो दो जगह रिडक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम रिडक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लिए बिटाते हैं, चलिए। या इसी में आप थोड़ा सा पहले देख लीजिए, रिडक्शन को भी देख लीजिए, रिडक्शन का रिएक्शन है और कुछ है नहीं इसमें फर्क बहुत ज्यादा। इसी में आप लोग देख लीजिए रिडक्शन को, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिडक्शन, रिडक्शन होता है इसका आइसोनाइट्राइल का, क्या होता है, रिडक्शन होता है। इधर ऐसे करके लिख लीजिएगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। रिडक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन होता है कि आपको लेना होता है क्या चीज, आइसोनाइट्राइल्स दैट इज RN, इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज, ये हुआ आपका आइसोनाइट्राइल्स। इसका रिडक्शन आपको करना होता है H2Ni के प्रेजेंस में। आप यहाँ पे और भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, LiLH4 ले सकते हो, NaATOH ले सकते हो, जो लेना है लो, हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली H2Ni। तो यहां से जाके आपका जो है क्या बनता है, यहां से आपका बनता है RNHCH3, ठीक है, ये बनता है, क्या बनता है, RNHCH3 बनता है। और ये जो है आपका क्या होता है, 2 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री एमीन होता है, ठीक है। तो यही होता है आपका रिडक्शन। आपको बता दें कि पिछले जो हम लोग क्या पढ़े थे, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में वो सबसे इससे पीछे क्या पढ़े थे, नाइट्राइल्स पढ़े थे। वहां नाइट्राइल्स में जो है हम लोग देखे थे कि नाइट्राइल्स का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हमको मिलता है 1 डिग्री एमाइन। यहाँ पे आइसोनाइट्राइल्स का रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 डिग्री एमाइन मिल रहा है। ज्यादा डिफरेंस कुछ का नहीं है, डिफरेंस बस है कि वहां पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। तो मैकेनिज्म सेम वही काम से होगा जैसे नाइट्रो में, जैसे नाइट्राइल्स में हुआ था, वैसे ही आइसोनाइट्राइल्स में करना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो है आपका आइसोनाइट्राइल्स वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो इसको फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन कौन कौन से, एडिशन रिएक्शन किसके किसके साथ शो करता है आइसोनाइट्राइल्स, उसको बात करते हैं, नोट करिए, मिटा, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो किसके किसके साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो किसके साथ, विथ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है। एग्जाम्पल में HGO आप ले सकते हो, दैट इज की ये ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको लेना होता है आइसोनाइट्राइल्स, क्या है ये, आइसोनाइट्राइल्स है, इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, या इसी ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो कहीं साइड में लिख लो ब्रैकेट में करके, इस ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं या नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, अपना एक लोन पेयर ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इस कार्बन के पास। जैसे ही डोनेट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, नाइट्रोजन के पास क्या आ गया होगा, लोन पेयर आ गया होगा। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, कार्बन के पास जैसा नेगेटिव था वो नेगेटिव रह गया, और साथ ही साथ जैसे ये डोनेट किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और दो लोन पेयर, तो एक पॉजिटिव चार्ज दो लोन पेयर आ गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और इसका पॉजिटिव कैरेक्टर को भी खत्म कर लेगा। तो अपना नेगेटिव चार्ज भी खत्म किया, डबल बॉन्ड ही बनाया, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म किया, तो ये किया RN, इसके ऊपर लोन पेयर, डबल बॉन्ड सी था और ये जो है अपना डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और इसके ऊपर दो लोन पेयर बनाया। इसी को हम लिख सकते हैं RNCO, जो बोलना है बोलिए, ऐसे लिखे ऐसे लिखे, ये आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगा अच्छा से, और ये आपको शॉर्ट फॉर्म में इसी स्ट्रक्चर का। तो ये होगा, इसका नाम होगा अल्काइल आइसोसाइनेट, क्या होगा, अल्काइल आइसोसाइनेट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन के साथ भी एडिशन करता है, यहाँ पे आप X2 ले सकते हो, X2 कुछ भी हो सकता है, X का वैल्यू आप फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन जो लेना है ले लो। ये है आपका आइसोमेट्रेस, इसका रिएक्शन करेंगे X2 के साथ। इस दोनों X के एटम्स के पास क्या है, तीन तीन लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर एक एटम डोनेट करेगा, जैसे डोनेट करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, सेम यही स्टेप जैसा फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके कुछ ऐसा बनेगा, डोनेट किया है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज और दो ही लोन पेयर, और इधर वाले पे तीन लोन पेयर नहीं जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को यहाँ से ले लेगा, नहीं इस लोन पेयर को लेगा तो इस कार्बन से डायरेक्ट ये एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये एक हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ है, तो वही काम आर एन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड सी, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था, तो वही दिखा दिया। और इसका नाम क्या है, अल्काइल एमिनो कार्बोनिल डाइहैलाइड। इस स्टेप को आप अच्छे समझना, यही स्टेप आपको थोड़ा सा समझने वाला है। एक बार फिर से हम रिकैप कर रहे हैं, यहाँ से जो है हम किए क्या कि हेलोजन के एक एटम का लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट किए, ये इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ तो एन के ऊपर लोन पेयर आया डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे ये डोनेट किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दो लोन पेयर, और ये जो अनदर एटम्स है एक्स उसके ऊपर तीन लोन पेयर आ गया। अब क्या किए हैं इस स्टेप में, सो देखिए ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें करेंगे कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, तो इधर का ब्रेक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का खत्म करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएगा, और ये जो है क्या करेगा कि अपना नेगेटिव चार्ज को लेकर के इसके पास जाके अटैक करेगा इस एक्स के साथ। तो पहले से एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, दूसरा हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो क्या ले लिया, ये कार्बन ले लिया, तो दोनों हाइड्रोजन जाके लग गया, और इसका जो नाम होता है वो होता है अल्काइल एमिनो कार्बोनिल डाइहैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ सल्फर, सल्फर का भी एडिशन होता है, तो ये है आपका आइसोमेट्रेस, इसमें सेम सल्फर का काम, ऐसे क्या करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे जो और है ये जाके नेगेटिव चार्ज को खत्म, मतलब नेगेटिव चार्ज के पास जाकर अटैक करेगा और जाके बना लेगा आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, और इसके पास दो लोन पेयर, और इसका नाम है आपका अल्काइल थायोसाइनेट। तो आपको बता दें कि एडिशन रिएक्शन में तीन 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 एटम्स के साथ एडिशन करता है, ऑक्सीजन के साथ, हैलोजन्स के साथ और सल्फर के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि एडिशन भी समझ में आ गया होगा आपको आइसोमेट्रेस का। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, दैट इज की एमीन। आपको हम बता दें कि आप लोग जो है नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रो कंपाउंड पढ़ लिए, सेकेंड पढ़ लिए आप लोग नाइट्राइल्स, और थर्ड अभी हम लोग जो खत्म किए आज वो खत्म किए आइसोनाइट्राइल्स। अब नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे एमीन्स के बारे में, ठीक है, एमीन्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डाइलोमियम सॉल्ट है, फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।